आया उठाया और एक पेड़ पर जाकर के बंसी बजाने लगे। बंसी बजाने लगे, गोपियों ने देखा कि छलिया आ गया, चोर आ गया। तो श्रोताओं, भगवान कन्हैया बंसी बजाते हैं और गोपियों ने जब देखा कि हमारे वस्त्र नहीं है यमुना के किनारे पर, बोल गोविंद भगवान की, वस्त्र जब नहीं दिखाई दिए तो भगवान कन्हैया की बंसी की धुन सुनी कई बहना हमारे वस्त्रों को यही ले गया है। भगवान कन्हैया से गोपियों ने प्रार्थना की तो भगवान कन्हैया ने कहा कि गोपियाओं एक एक करके जल से बाहर निकलती आओ और ये वस्त्र मेरे पास रखें, अपने वस्त्रों को ले जाओ। भगवान कन्हैया से गोपियाओं ने ये कहा, हे नंदनंदन मुरारी, भगवान कन्हैया आप इस तरह की बातें कर रहे हो, हम स्त्री हैं, नग्न अवस्था में हैं, भला जल से बाहर नहीं निकल सकते। भगवान कन्हैया ने कहा कि तुम्हें अपमान लग रहा है जल से बाहर निकलने। बोले हाँ। अरे तुम्हें अपमान लग रहा है गोपियां, उस जल में करुण का निवास होता है और आप नग्न अवस्था में स्नान कर रहे हैं उस जल के अंदर, उस गरुड़ भगवान का अपमान हो रहा है, उसका ख्याल है, उसका भी तो ख्याल रखो। इसलिए ध्यान रखो, आज से कोई भी गोपी जल में नग्न अवस्था में स्नान नहीं करेगी। गोपियों ने क्षमा मांगी, क्षमा मांगने के बाद भगवान कन्हैया यमुना के किनारे पर वस्त्रों को रख करके चले जाते हैं। बोलो गोविंद भगवान की। यहाँ से आगे की कथा हमारी बिटिया के द्वारा श्रवण करेंगे। अपनी वाणी को बराम बराम सच्चिदानंद रूपाय विश्वपत्यात हे तुवे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। किमाति हमारी सरस्वती मेरे करो हृदय रक्षा मेरी कीजियो, मैं हूँ चरण की राशि। तो अंत समय पर जब प्रभु मुख काल चलावे चोट, तो कल्पना को लीजियो प्रभु पीता जिनकी कृपा मात्र से ढोर मिलता नहीं कलेश को, श्रद्धा सहित प्रणाम है गुरुदेव के संदेश को। मात पिता को सुमिर के गुर चरण शीश झुकाए, बेटी तुम पोटी मेरी आय के करो सहाय। सर्वप्रथम अपने माता पिता के चरणों में अपने मस्तक को झुकाते हुए और परम पूजनीय गुरुदेव जी के चरणों में अपने मस्तक को झुकाते